बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस मैथमेटिक्स ग्रेड 12। लेक्चर नंबर 2 में हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। इन तमाम को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक आइडियाज पे बात करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर हम इसकी तरफ आएंगे। अगर इस तरह से लिखा हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है y इज फंक्शन ऑफ x। y इज फंक्शन ऑफ x, या इसमें ये कह लें कि y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। हम x के वैल्यू पुट करेंगे, हमें y की वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो है, उसके अंदर हमने शो करना है कि पैरामीटर जो है किसी भी स्केयर का पैरामीटर वो फंक्शन हो इसके एरिया का। क्या मतलब कि हम पैरामीटर हमें मालूम हो जाए जब हम फंक्शन में एरिया की वैल्यू पुट करें। हमें स्केयर का एरिया मालूम है और हम उसी की मदद से डायरेक्ट हम इसमें से पैरामीटर फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्केयर क्या होता है? स्केयर एक ऐसी शेप है जिसमें चारों साइडें जो है वो इक्वल होती हैं और हर एंगल 90 का होता है। तो स्टार्ट लेंगे हम इसमें, लेट एक्स बी दी लेंथ ऑफ साइड या साइड ऑफ स्केयर। तो इसमें से एरिया किसके इक्वल आएगा? एरिया इज इक्वल टू एक्स स्केयर क्वेश्चन नंबर 1 एंड पैरामीटर इज इक्वल टू 4x। पैरामीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। अगर चारों साइडों की लेंथ हम फाइंड सम अप कर दें तो हमारे पास पैरामीटर कहलाएगा। तो चारों लेंथ साइडों की जो लेंथ है वो कितनी बनती है? x प्लस एक्स 4x बनेगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि पैरामीटर को हमने फंक्शन बनाना है किसका? एरिया का। अब पैरामीटर में पहले वेरिएबल क्या है? पैरामीटर इज इक्वल टू 4x है, इसका मतलब है कि पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स लेंथ, इट्स साइड यानी एफ ऑफ एक्स। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि हम इस x को रिमूव करें और इसकी जगह पर एरिया लेके आए, यानी हमारे पास जो पैरामीटर है वो उसकी साइड पे डिपेंड नहीं कर रहा हो बल्कि किस पे डिपेंड कर रहा हो? एरिया पे डिपेंड कर रहा हो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म ऑफ एरिया, इक्वेशन नंबर 3। तो इसको पुट कर लेंगे हम, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो p किसके इक्वल आ जाएगा? 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ a। तो इसका मतलब है कि पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब हम जस्ट एरिया पुट करेंगे तो हमें उस स्क्वायर का पैरामीटर मिल जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, द एरिया ऑफ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये हमारे पास सर्कल है और आर इसका रेडियस है। देन एरिया ऑफ द सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफेरेंस इज 2πr। ये हम चीजें हमें मालूम है। अब हमें क्या बनाना है? एरिया को हमने फंक्शन बनाना किसका? सर्कमफेरेंस का। तो हम सबसे पहले एरिया की वैल्यू लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। अभी इसमें जो एरिया है वो फंक्शन है आर का, इसका मतलब है कि हम यहाँ से आर को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पर हम सर्कमफेरेंस लेके आएंगे। इक्वेशन नंबर 1, इसमें इक्वेशन नंबर 2 और फ्रॉम 2 हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ सी। मतलब क्या है? सी इज इक्वल टू 2πr है,
तो हम यहां से लिख सकेंगे कि r इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। ये पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास a किसके इक्वल आ गया, a इज इक्वल टू पाई और r की जगह पर आ जाएगा c ओवर 2 पाई एंड इट्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा सी स्केयर ओवर 4 पाई, इसकी इक्वल है एरिया का। अब इसमें एक वेरिएबल है और वह है सी, तो इसमें कि हमारे पास फंक्शन किसका एरिया किसका फंक्शन है, इसके सर्कमफेरेंस का एरिया इज अ फंक्शन ऑफ सी। अब नेक्स्ट इसमें पार्ट है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स बेस एरिया। तो पहले एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, यहाँ पर इसकी शेप बनाते हैं और पहले सॉरी एक क्यूब क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास क्यूब है और इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है हमारे पास एक्स, तो लेट एक्स बी दी साइड या लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, तो फिर इसका वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, एक्स क्यूब इक्वेशन नंबर 1, और इसका बेस एरिया, बेस एरिया में क्या आएगा लेंथ और विड्थ, ये इसका बेस है तो बेस एरिया क्या बन जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा क्वेश्चन है कि वॉल्यूम को हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ इट्स एरिया, तो हम वॉल्यूम को लिख लेते हैं और देखते हैं कि उसमें अभी वेरिएबल कौन सा है, अभी स्टिल उसमें वेरिएबल है एक्स, तो अब हम एक्स को रिमूव करके उसके जगह पर ए लाना चाहते हैं, तो वो हमें प्रोवाइड मिलेगा हमें इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम 2 ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंप्लाइज के ए स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, सॉरी 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1 वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स ए रेस टू पावर 3/2, ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो फंक्शन है ऑफ इट्स बेस एरिया, हम जस्ट उसमें बेस एरिया पुट करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा क्यूब का।